कैसे हो आप सब? होप आप अच्छे होंगे। मैं श्वेता आप सभी को हमारे चैनल मायरा एंड मी में स्वागत करती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुबह ऐसे रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी का डिमांड था कि क्यों मैं रेडी होके वीडियोस नहीं बनाती, तो मैं सोची कि थोड़ा जैसे कि आज चैलेंज वीडियो है तो थोड़ा रेडी हो जाती हूँ और चैलेंज वीडियो का इंट्रो शूट कर लेती हूँ। बट मैं ये मेकअप उतार दूंगी क्योंकि मुझे बहुत हैवी लग रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपको कुछ देर के बाद हमारे चैलेंज वीडियो के साथ। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं हर सैटरडे एक चैलेंज वीडियो लेके आऊंगी, तो आज भी मैं एक चैलेंज वीडियो लेके आने वाली हूँ। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन सा चैलेंज वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए राइट अवे, अभी तुरंत कमेंट करके बताइए कि मैं कौन सा चैलेंज करने वाली हूँ। तो मैं आज 24 आवर्स इडली चैलेंज करने वाली हूँ, जिसमें मैं 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ इडली खाऊंगी। कुछ कुछ ऐड करके इडली को मैं नया नया रेसिपी लेके उसको ट्राई करूंगी। कुछ लंच में होगा, कुछ डिनर में होगा, इवन आपको डेजर्ट भी दिखाऊंगी मैं। सो आज मैं ब्रेकफास्ट में 30 इडली खाने वाली हूँ। 30 इडली का मतलब होता है 30 मींस प्लेट, और वो इडली एक प्लेट के साइज का होता है। और ये कर्नाटका का बहुत स्पेशल डिश है, मतलब बहुत फेमस डिश। और आप जब भी बैंगलोर से मैसूर जाते हो तो उस हाईवे में बहुत सारे शॉप्स हैं जो 30 इडली सेल करते हैं, और बहुत टेस्टी होता है वो। तो मैं अभी मिलती हूँ आप सबको मेरे टेबल में 30 इडली के साथ। तो चलिए हम अपना लंच प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि मैं इडली चैलेंज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि कैसे मैं जो इडली मैं बचपन से खाती हूँ वो मैं छोड़ दूँ। तो मैं अभी नॉर्मल जो हम इडली खाते हैं वो इडली बनाऊंगी। तो मैंने बैटर रेडी करके रख दिया है, इवन मैंने सांभर चटनी सब प्रिपेयर कर लिया है। तो जैसे कि मैं लंच में आज इडली बनाने वाली हूँ, तो मैंने उसका बैटर बना लिया है। तो जिसमें मैं इडली बनाऊंगी उसको मैंने पहले से ही अच्छी तरह से ऑयल में ग्रीस कर दिया है, और अभी मैं इडली बैटर उसमें ऐड करूंगी। और आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने पानी गर्म कर लिया है, पानी बॉईल हो रहा है। तो मैं अभी इडली बनाने के लिए उसको डाल के थोड़ा फ्लेम हाई कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं इडली बना है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि मेरी इडली कितनी अच्छे से बनी है। तो अब मिलती हूँ मैं आप सभी को अपने लंच प्लेट के साथ। सभी से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो ये रहा आज मेरा इवनिंग का स्नैक्स, पूरी इडली, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगी। और क्योंकि इडली साउथ इंडियन डिश है तो फिल्टर कॉफी क्यों नहीं। तो आज मेरा इवनिंग का स्नैक्स है पूरी इडली और उसके साथ फिल्टर कॉफी। तो मैं इसे एंजॉय करने के बाद आप सभी से डिनर में मिलती हूँ। तो खाके भी देखती हूँ कि कैसा बना है।
तो आज डिनर में मैं रवा इडली बनाने वाली हूँ, नहीं सूजी की इडली। तो मैंने सूजी ले लिया है, इसमें मैं 3 चम्मच दही ऐड करूँगी, क्योंकि दही इसमें थोड़ा वो खट्टापन देता है जब हम इडली बनाते हैं। और मैं कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, कटे हुए धनिया पत्ता, इसको सब ऐड करूँगी। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हो। फिर मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिलाऊंगी और नमक स्वाद अनुसार। फिर मैं धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करूंगी। इस बैटर की कंसिस्टेंसी हम जैसे नॉर्मल इडली बनाते हैं वैसी ही होगी। मैं इसे कुछ देर छोड़ दूंगी क्योंकि सूजी फूलती है। अगर पानी रिक्वायर्ड हुआ बाद में तो मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैं अभी छौंक लगा रही हूँ जिसमें सरसों, करी पत्ता, अदरक और मिर्च का छौंक है। और मैं आपको यहाँ दिखाना भूल गई हूँ, मैंने यहाँ पे इनो भी ऐड किया था। और फिर मैं इडली बनाने के लिए इसे बैठा देती हूँ। और आप देख सकते हो हमारी इडली। ये रहा मेरा डिनर आज का, रवा इडली विथ येलो मटर की सब्जी। आप बोल रहे होंगे कि येलो मटर और इडली की सब्जी और इडली क्या क्या कॉम्बो है। ये एक उड़ीसा का प्रसिद्ध कॉम्बो है जो हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इडली का चैलेंज कर रही हूँ, तो उसके साथ मैं ये येलो मटर की सब्जी बनाऊँ और इडली और वो सब्जी को मैं अपना डिनर की तरह खाऊँ। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये कॉम्बो खाया है कि नहीं। अभी मैं खा के बताती हूँ कि ये रवा इडली कैसे बना है। आप देख सकते हो ये बहुत सॉफ्ट बना है और मैं इसको थोड़ा येलो मटर की सब्जी के साथ डिप करके खा के बताती हूँ। टेस्टी लग रहा है, यम्मी लग रहा है। आप खाओगे? हाँ। आओ थोड़ा टेस्ट करके बताओ। हाँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बहुत यम्मी नहीं है? तो मैं अपना डिनर खत्म करके आपसे मिलती हूँ और एक डिश के साथ, क्योंकि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तो हम अपनी लास्ट मील की तरफ आ गए हैं। तो लास्ट मील क्या होता है खाने के बाद? कुछ मीठा। तो मैंने सोचा कि इडली के साथ कुछ मीठा बनाया जाए। तो मैं आज बना रही हूँ इडली सैंडविच। तो मैं उसके लिए इडली ली हूँ जिसको मैंने बीच से कट कर दिया, उसको थोड़ा सा बटर में फ्राई किया और उसके बाद मैं वेनिला आइसक्रीम भी यूज करूंगी। और मैं बनाती हूँ आप सभी के लिए इडली सैंडविच। सकते हो कि मैंने इडली का बेस आइसक्रीम, उसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस और फिर मैं इसमें आलमंड्स कट किया हुआ डालूंगी। और फिर मैं एक लेयर और इडली का, जिसको मैंने बटर में थोड़ा सॉटे किया था, तो उसको मैं इस आइसक्रीम के ऊपर रख दूंगी। और फिर से मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा चॉकलेट सिरप और कुछ ड्राई फ्रूट्स। और ये रहा हमारा इधर लिखने दो और ये रहा
हमारा सेकेंड डेजर्ट जिसको मैंने वाटरमेलन इटली मैंगो एंड बनाना से बनाया है। अच्छा, तो ये मैंने ट्राई किया है चॉकलेट सिरप से लिखने का MM, तो ये है मायरा एंड मी। हम टेस्ट करें डेजर्ट? आप टेस्ट करके बताओ कि डेजर्ट कैसा बना है। यम्मी, सबको बता दो। और इसी तरह आज मेरा 24 आवर इटली चैलेंज खत्म होता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।